अंदर जो राजस्थान पुलिस का मोटो है आम जन में विषाद और अपराधियों में भय, उसको चरितार्थ करने के लिए जयपुर आयुक्ता ने सीपी साहब के निर्देशन में निरंतर रूप से गैंगस्टर संगठित गिरोह के रूप में जो अपराधी काम करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ करते करी स्पेशल टीमों द्वारा की गई है। शुरुआत इसकी 2021 के अंदर सर्वप्रथम ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोर्ड के नाम से प्रारंभ किया गया था। इसके पश्चात जून में 2022, अगस्त और सितंबर 2022 में भी संयुक्त रूप से इन अपराधियों को चिन्हित किया जाकर के टीमों के द्वारा इनके स्थानों पर इनके रिहायशी जो क्षेत्र थे इनके गैंग ठिकाने थे उन पर दबिश डाली गई, उनको पकड़ा गया। इनके पास जो असला बारूद और किसी तरह का नारकोटिक एक्साइज का जो सामान मिला था उसमें केसेस बनाए गए थे, उनको अरेस्ट किया गया। उसी की निरंतरता में पिछले दिनों में आपने ध्यान है कि दिसंबर जनवरी फरवरी में जयपुर महा में कुछ एक्सटॉर्शन के कॉल्स आए थे जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग थी उसके साथियों को चिन्हित करके पकड़ा गया था जी ग्रुप की फायरिंग के पश्चात। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्हित जो गैंगस्टर थे हमारे और जो उनके गैंग के एक्टिव सदस्य और जो हार्डकोर अपराधी जो बाहर थे उन पर आज मॉर्निंग में चारों डीसीपी के नेतृत्व में और सीएसटी के सहयोग से दबिशें प्लान की गई। तो कुल मिला के 484 ठिकानों पर दबिश दी गई टीमों के द्वारा, जिनमें करीब 250 लोगों को लाया गया थाने पर, 175 लोगों को विभिन्न विभिन्न धाराओं में अरेस्ट किया गया है। इनमें से कुछ के पास में असला भी मिला है, कुछ एक्साइज एक्ट में गिरफ्तारी हुई है, कुछ स्टैंडिंग वारंट की गिरफ्तारी हुई है। जो ये हार्डकोर अपराधी लाए गए थाना क्षेत्रों पर अरेस्ट किए गए इनको हमारी सीएसटी की टीमें और थानों पर जो स्पेशल टीमें हैं वो इनसे पूछताछ करके इनके गिरोह के अन्य साथियों के विरुद्ध में कंप्लीट लिस्टिंग की जा रही है ताकि आने वाले समय में इनके विरुद्ध भी और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। सर, ये लॉरेंस गैंग के चारों विमर्शों को गिरफ्तार किया है, लॉरेंस गैंग के चारों विमर्शों को गिरफ्तार किया अंदर सी एस टी को। हाँ, वो एक दूसरा प्रश्न अपने करीब दो दिन पहले अपने जनता गेट क्षेत्र में रहने वाले कपड़े व्यापारी के पास में थर्ड कॉल आता है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, 2 करोड़ की फिरौती इसको दी जाए अन्यथा उसके साथ में हानिकारित की जा सकती है। उसको पुलिस द्वारा तुरंत गंभीरता से लिया जाकर के उसको वेरीफाई किया गया। तो इसमें करीब 4 व्यक्तियों को हमने अरेस्ट किया। 1 व्यक्ति है नागौर मेड़ता क्षेत्र का रहने वाला और 3 आरोपी हैं जो